चलिए आज हिस्ट्री का चैप्टर टू, वेस्ट बंगाल बोर्ड के का जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसका चैप्टर टू का हम लोग एक, इसके पहले बहुत सारा टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, आज उसी चैप्टर का आपका एक नया टॉपिक है जो है जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून। ठीक है, जो कि टॉपिक था कि भारत में शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में भारतीयों की, कुछ भारतीयों की और कुछ विदेशियों की क्या भूमिका थी। तो हम लोग इस पर कवर कर चुके हैं, डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून। तो हमारे देश में ये जो 1800 ईस्वी का समय था, मतलब 1800 से लेकर 1850, ठीक है, ये थोड़ा सा डेट देखिएगा, 1800 से लेकर 1850 ये जो दौर था, इसको हम पहले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि ये 19वीं शताब्दी का दौर था, मतलब 19वीं शताब्दी का प्रथमार्ध, मतलब 1800 से क्रॉस कर गया तो 19वीं शताब्दी शुरू हुई। तो ये 19वीं शताब्दी का ये, या 1800 से लेकर 1850 का बीच, मतलब प्रथमार्ध जो था, पूरा 19वीं शताब्दी मैं नहीं कह रहा हूँ, 1800 से लेकर 1850 ये जो दौर था, इस समय हमारे देश में अपने देश के बहुत सारे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने पूरे देश का कायाकल्प कल्प कर दिया, पूरे देश की व्यवस्था को बदल दिया, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में, आधुनिकता के क्षेत्र में। साथ ही साथ इसी समय आपके बहुत सारे विदेशी भी जो थे, जो भारत में आपका भारत को मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर ले जाने पर उन्होंने हमारे महापुरुषों जैसा ही काम किया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं या जानते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे विदेशियों में, जैसे एक विदेशी जो ये थे जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून, इनका भी नाम बहुत, मतलब कि बहुत ही वैल्यू रखता है भारत के इतिहास में, मॉडर्नाइजेशन के इतिहास में, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इनकी वजह से स्त्रियों की शिक्षा में आया था। तो इनके ऊपर जो टॉपिक है, इस पर जो क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको इस पीडीएफ में, पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इनका परिचय केवल बता दे रहा हूँ, ठीक है, और क्या क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दूंगा, बाकी जो आंसर वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ड्रिंक वाटर बैथून, इनका जन्म जो हुआ था 1801 में हुआ था, ठीक है, और मृत्यु हुई थी 1851 में, मतलब मात्र 50 साल की उम्र में ये मारे गए। तो ये जिस समय भारत आए या जिस समय भारत में ये थे, उस समय हमारे देश में देखिएगा कि एक से एक महापुरुष उसी दौर में जन्म लिए थे या उसी दौर में हमारे देश में काम कर रहे थे। जैसे सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, 1772 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद आपका राधाकांत देव थे, राजा राधाकांत देव। फिर दिरेजियो का जन्म हुआ 1809 में। फिर 1820 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ, सब देखिए इसी बीच। फिर डेविड हेयर, जो विदेशी मैंने बताया, तो और फिर दक्षिणारंजन मुखर्जी थे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे, विशेष करके बंगाली, बंगाली महापुरुष, बंगाली समाज सेवक हमारे देश में, विशेष करके बंगाल में उस समय, मतलब खान था, खान महापुरुषों का खान उगला था बंगाल ने इसी दौर में, 1800 से लेकर 1850 के दौर में। बैथून जो थे ये आपके एक पेशे से वकील थे, ठीक है। यहाँ पर उनको इंग्लैंड की तरफ से जो गवर्नर जनरल का काउंसिल होता है, गवर्नर जनरल मतलब कि जैसे आज राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश का बॉस, ठीक है, हालांकि वो नाम मात्र के शासक होते हैं, जो करता है भारत का प्रधानमंत्री ही करते हैं, उसका मंत्रिमंडल करता है, लेकिन फिर भी देश का बॉस अगर कहा जाए तो कौन है, भारत का राष्ट्रपति। बिना उनके सिग्नेचर के कोई भी कानून वगैरह पास नहीं हो सकता, तो देश का बॉस। तो इसी तरीके से उस समय में, ये जो मैं समय बता रहा हूँ, उस समय में आपका भारत में जो बॉस होता था शासन का, देश का अध्यक्ष होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो होता था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वो गवर्नर जनरल समझ लीजिए आज का जो राष्ट्रपति है उसके समतुल्य था, बल्कि आज के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर गवर्नर जनरल को था, उसमें प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होता था, सारा डिसीजन, लास्ट डिसीजन जो होता था गवर्नर जनरल के हाथ में ही होता था। तो गवर्नर जनरल का, जैसे आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उसके अंडर में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, तो उसी तरीके से गवर्नर जनरल का भी एक काउंसिल होता था इंडिया में, मतलब कि समझ लीजिए मिनिस्टर की तरह, कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में बहुत सारे मेंबर होंगे, इन सारे लोग सजेस्ट करेंगे गवर्नर जनरल को किस तरीके से देश का शासन होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। तो गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर बनाकर इनको भेजा गया था हमारे देश में 1830 के बाद शायद, ठीक है। तो वो जब भारत आए तो थे तो ये विदेशी,
इंग्लैंड के, इंग्लैंड का यहाँ पर शासन था, तो उनका मकसद होना चाहिए था कि इंग्लैंड को फ़ायदा पहुँचाना, इंग्लिश इंग्लैंड मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का शासन था तो कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना, उनको भारतवासियों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, वो एक शासक वर्ग के व्यक्ति थे, मतलब शासन करने आए हैं। लेकिन यही होता है कि भारतीयों का किस्मत अच्छा था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे देश में आए कुछ, जो भारतीयों के साथ साथ, जो भारतीय महापुरुष के साथ साथ उन्होंने भी भारतीयों के लिए बहुत कुछ किया। तो बैथुन जब आए तो बैथुन को यह एहसास हुआ कि बिना मतलब स्त्री शिक्षा के प्रसार के भारतीयों की उन्नति संभव नहीं है। ठीक है, भारतीयों को अगर उन्नत करना है तो यहाँ जो वुमेन एजुकेशन है उसको बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एशिया का, केवल इंडिया का ही नहीं, एशिया का फर्स्ट महिला स्कूल जिसको बैथुन स्कूल, उसका पूरा नाम अलग है, अभी बैथुन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो बैथुन स्कूल की इन्होंने 1849 ईस्वी में स्थापना की। इसको भारत का पहला महिला स्कूल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अपर क्लास का, ठीक है, लोअर नहीं कह रहा हूँ, अपर क्लास का, यहाँ से महिलाओं को ऊपर उठने में इस स्कूल ने क्रांतिकारी रास्ता दिखलाया था। तो बैथुन का ये सबसे बड़ा योगदान था। और सबसे बड़ी बात ये है कि बैथुन ने इस स्कूल को बनाने में जो भी खर्च हुआ था, हालांकि कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की थी, लेकिन इन्होंने इस स्कूल को बनाने में अपना सब कुछ लुटा दिया था। इनकी जो भी संपत्ति थी इन्होंने सब स्कूल के पीछे ढाल दिया था। तो ये ऐसा कौन करता है? तो इतने बड़े ये समझ लीजिए भारत बंधु थे, देश हितैषी थे। ठीक है, और उस दौरान आपका इनको बहुत सारे महापुरुषों की का मदद भी मिला, जैसे मैंने बताया विद्यासागर थे, विद्यासागर ने भी इनको हेल्प किया, आपका रंजन मुखर्जी थे, उन्होंने भी इनको हेल्प किया। ठीक है, तो विभिन्न तरीके से इनको मदद भी मिला, लेकिन इनकी जो इच्छा शक्ति थी, इनकी इच्छा शक्ति के कारण ही ये संभव हो पाया। इसके अलावा मान लीजिए और भी दो चार संस्थाएं वगैरह इन्होंने स्थापित की थी या हेल्प किया था उसमें, स्थापित मतलब उसमें हेल्प किया था, वो सारा कुछ आपको आंसर में मिल जाएगा जो मैं PDF डालूंगा। तो क्वेश्चन बैथुन से आता है, ड्रिंकवाटर बैथुन से, कि भारत में स्त्री शिक्षा के या पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में ड्रिंकवाटर बैथुन की क्या भूमिका थी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस टॉपिक से माध्यमिक में आप लोगों का 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मतलब वो दूसरा कारण है, नहीं बनेगा। तो इसको 4 मार्क्स के लिए आपको तैयारी नहीं करनी है। 90% चांस है कि 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का ये टॉपिक नहीं है, इससे बनेगा नहीं आंसर माध्यमिक में। और भी बड़े बड़े टॉपिक हैं, उनसे आएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है, जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इसको तैयार कीजिएगा। मैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन और आंसर लिख चुका हूँ, इसका दे दिया हूँ PDF में, तो आप उसको एक शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कीजिएगा। तो बैथुन का आज यही हुआ। बैथुन के बारे में और भी बहुत कुछ बताना था, लेकिन वीडियो लंबा होगा, ठीक है, तो रहने दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी और भी Chapter 2 के बचे हुए, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, विवेकानंद के बारे में है, तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में, ये सब टॉपिक अभी कवर करना बाकी है। तो इसके बाद हम लोग फिर इसी चैप्टर का सीरियली कर रहे हैं, एक एक टॉपिक ABCD करके। तो ये हुआ, जिसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी जो माध्यमिक पास कर चुके हैं या HS पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, फिलअप कीजिए। 2-4 जगह से मुझे फ़ोन भी आ गया है कि वो उनको स्कॉलरशिप, थोड़ा डिफरेंट स्कॉलरशिप था जो मैंने अपलोड किया, वो नहीं, ऐसे ही सजेस्ट किया था, तो फ़ोन भी आ चुका है कि उनको पैसा मिल चुका है या मिलने का अनाउंस हो चुका है। तो इसका फ़ायदा आप लोग उठाइए, आपके जो भैया या दीदी वगैरह Class 10 पास कर चुके हैं, HS पास कर चुके हैं, उनको आप लोग ये चैनल शेयर कीजिएगा तो उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट टॉपिक फिर हम Chapter 2 का लेकर आ रहे हैं।